प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन वितरण का कार्यक्रम किया गया। हिमायूपुर स्थित हंसवानी इंटर कॉलेज के पास महापौर नगर निगम नूतन राठौर द्वारा राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। कोविड-19 का पालन कराते हुए किया गया राशन वितरण। जनपद फिरोजाबाद के हिमायूपुर स्थित हंसवानी इंटर कॉलेज के पास जय प्रदा नामक कोटेदार के यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न के अंतर्गत राशन वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर नूतन राठौर मौजूद रहीं एवं पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महापौर नूतन राठौर द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना अन्न के अंतर्गत लोगों को निःशुल्क राशन दीपावली तक मुहैया कराया जाएगा। जो योजना है ये अगले नवंबर तक चलेगी, नवंबर तक सबको फ्री राशन मिलेगा और हमारे जिला फिरोजाबाद में करीब 859 राशन डीलर की इस तरह की दुकानें हैं, जहां पर करीब 4 लाख पूरे देश भर में जितने भी लोग हैं ये राशन कार्ड धारक हैं उनको निःशुल्क राशन दिया जाएगा। इसमें 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल रखा जाएगा, जो अभी आपको बोरियाँ देंगे इस पे पिक्चर भी लगी, ऊपर फोटो लगाए। भी इस तरह की कोई समस्या है कि राशन दे नहीं रहे, डीलर आपको राशन देने में आनाकानी कर रहे हैं, निःशुल्क नहीं दे रहे, पैसा तो नहीं ले रहे, कोई ऐसी शिकायत हो तो तुरंत आप मुझे बताइए, ठीक है? और कोई आपकी कोई शिकायत हो तो अभी कर सकते हो। राशन वितरण किया गया, किस प्रकार का राशन वितरण किया गया और कब तक बटेगा? देखिए, आज वार्ड नंबर 36 हिमायपुर में जो राशन डीलर हैं उनकी दुकान पर हमने जो यहाँ की महिलाएं हैं, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया है, आज सभी जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं पूरे जिले भर में करीब 859 हमारे राशन डीलर हैं और करीब 4,45,000 जो लोग हैं जो कार्ड धारक हैं जिनको निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल इन लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। तो आज का जो कार्यक्रम है हिमायपुर में, आज हमने इस कार्य का शुभारंभ किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, और इनको जो राशन दिया जा रहा है वो एक थैले में जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो सहित इनको उस राशन का हमने वितरित किया है। ये जो योजना आज से लागू की जा रही है ये अगले नवंबर तक लागू रहेगी और जितने भी हमारे कार्ड धारक हैं, राशन कार्ड धारक हैं, उनको ये अनाज निःशुल्क दिया जाएगा, उनको किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो मैं बस माननीय प्रधानमंत्री जी का इस योजना के लिए आप सभी जनपद वासियों की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ।